time for a love potion, a little sweet and spice. दोस्तों ये है TVS Star City Plus BS6, देख सकते हैं आप। जो TVS का लोगो है वो आपको यहाँ पर 3D में मिल जा रहा है और इसकी फ्रंट में आपको LED मिल जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर TVS कंपनी ने पूरी तरह अपनी बाइक का जो फ्रंट पोर्शन यानी हेडलाइन पर पूरा ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक में कोई भी हैलोजन बल्ब का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको फुली LED लाइट मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LED टेक लिखा हुआ है लाइट में और ये फुल LED हेडलैम्प है। लेकिन इसमें कोई भी आपको DRL नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको हाई बीम और लो बीम दोनों ही LED में मिल जाते हैं। बात करते हैं इस बाइक के इंडिकेटर की, तो इसमें आपको नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं और इसका जो हेड है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शार्प बनाया गया है और काफ़ी अच्छे स्टिकर्स का यूज किया गया है। बात करेंगे इसके कलर कॉम्बिनेशन की, तो इसमें आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसका जो बाइक का फ्रंट लुक है काफ़ी अग्रेसिव लुक दिया गया है और इसमें जो सस्पेंशन दिए गए हैं आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डंप मिल जाता है और इसमें जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और बात कर लेंगे इस बाइक के फ्रंट मड गार्ड की, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और इसका जो फ्रंट टायर है इसमें आपको फ्रंट टायर TVS का मिल जाता है और इस टायर का साइज आपको 275/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है 275/17 का। बात करेंगे इस बाइक के रियर टायर की, तो इसमें आपको जो टायर साइज है यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं 3.017 का टायर मिलता है। ये भी ट्यूबलेस टायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग की, तो इसमें आपको फ्रंट में 130 mm की ड्रम ब्रेक और रियर में 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मीटर कंट्रोल का जो वायर लगा होता है इस बार कंपनी ने उसे BS6 में हटा दिया और यहाँ पर आपको डबल वायर दे दी है, क्योंकि इसमें जो रियर ब्रेक प्रेस करने पर आपको फ्रंट का ब्रेक भी अप्लाई हो जाता है, फ्रंट ब्रेक भी लग जाती है। तो इसमें काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया और ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो रियर ब्रेक है वो आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन की, जिसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक ऑब्जर्वर दिया जा रहा है, जो कि आप इसे 5 टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। बात करेंगे ये आप इसे देख सकते हैं BS6 बाइक ही है और इसे आप पीछे से भी देख लें। पीछे आपको ये बैक में रिफ्लेक्टर मिल जा रहा है और यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है जो आपको नंबर प्लेट में, और यहाँ पर आपको जो टेल लैंप मिलता है ये आपको नॉर्मल बल्ब टेल लैंप मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर हैं ये भी आपको बल्ब वाले ही मिल जाते हैं। बात कर लेंगे इस बाइक के रियर में, तो इसमें आप पर आपको जो ग्रैबरल है वो आपको मेटल का मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस बाइक की जो सीट है काफ़ी अच्छी और काफ़ी कुशन दी गई है और इसमें आपको डुअल टोन कलर का यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे और विद ब्लैक का यूज किया गया है, तो यहाँ पर ग्रे विद ब्लैक यूज किया गया है सीट में। और इसका जो कलर है बाइक का यहाँ पर रेड विद ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इस बाइक में आपको ETFI टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है। ये बाइक आपको 110 cc इंजन में मिल जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें TVS Star City Plus लिखा हुआ मिल जाता है। ये बाइक आपको उपलब्ध है कृष्णा ऑटो सेल्स जूनिया बिंद की फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। आपको ये
उपलब्ध मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं TVS की बाइक है, TVS स्टार सिटी 110 cc। तो यहाँ पर आप किसी भी बाइक को, TVS की बाइक को ले सकते हैं। मैं इनका डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर FI सिस्टम लगा हुआ है, ये यहाँ पर FI का सिस्टम लगा हुआ है, और ये सारे सेंसर हैं यहाँ पर लगे हुए। ये BS6 बाइक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइलेंसर में आपको कैटिलिटी कन्वर्टर और यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर आपके लिए कोई, यहाँ से आप फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। और बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 ETFI इंजन लगा हुआ है। बात करते हैं इस बाइक के पावर की, तो इसमें आपको 8.1 BHP का पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। दोस्तों तो हम बात करने वाले हैं इस बाइक के इस मीटर कंट्रोल की, तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, और इसका मीटर कंट्रोल जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा इसका डैशबोर्ड और काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर की, जिसमें जो इसका स्पीडोमीटर है, इसमें आपको दो मोड मिल जाते हैं, इकोनॉमी और पावर मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर मोड, और यहाँ पर आपको न्यूट्रल की लाइट चलती हुई मिल जाती है। यहाँ पर आपको माल फंक्शन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, दोनों साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर ऑडोमीटर वो मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाई बीम की लाइट मिल जाती है। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है। बात कर लेंगे इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 mm मिल जाता है। और इस बाइक के कार्ब वेट की बात कर लेते हैं, तो इस बाइक का कार्ब वेट है आपको जो 116 kg मिल जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं साइलेंसर में इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है वो आपको SBT टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो दोस्तों ये बाइक आपको कैसी लगी, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।